वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लकी मैन, जिसमें पुनीत राजकुमार भाई साहब भी है। एक्चुअली एक तमिल मूवी की रीमेक है जो 2020 में रिलीज हुई थी, और इसी तरह ये मूवी तेलुगु में भी रीमेक हो चुकी है, शायद ये मंथ और नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक पब में अर्जुन और अनु नाम के दो बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों के पास इनका एक और बेस्ट फ्रेंड आता है शेट्टी। बातों ही बातों में शेट्टी अर्जुन से कहने लगता है कि अर्जुन तुम अरेंज मैरिज ही कर लो, लाइफ बहुत आसान होगी। अब अनु अर्जुन से कहने लगती है कि अर्जुन हमारे घर में भी मेरी शादी के बारे में बात चल रही है, मेरे घर वालों ने मैथ्यू नाम के एक बंदे को ढूंढा है, अगर तुमको पसंद है तो हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, सोच के बताना। ऐसा कहकर जब वहाँ से जाने ही वाली होती है तभी उसी पब में मीरा नाम की एक लड़की आती है। एक्चुअली मीरा अर्जुन की सीनियर होती है। सो अर्जुन मीरा को पहचान कर मीरा से बात करने लगता है। जाते जाते मीरा अर्जुन से कहने लगती है कि फिलहाल तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मुझे FB में ऐड कर लो, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद अर्जुन भी अनु के ऑटो में बैठकर अपने घर जाने लगता है। सो ऑटो में ही अर्जुन अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स को याद करने लगता है। एक्चुअल से बचपन से ही अर्जुन, अनु, शेट्टी ये तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उसी स्कूल में मीरा भी होती है जो अर्जुन की सीनियर होती है। बचपन से ही मीरा अर्जुन की क्रश होती है। खास बात ये तीनों एक ही साथ अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं, जॉब भी हासिल करते हैं। सो प्रेजेंट डे पर अर्जुन अनु से कहने लगता है कि अनु तुमने सही कहा, हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस तरह से अर्जुन और अनु की शादी हो जाती है। उसके बाद सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अर्जुन और अनु कोर्ट आते हैं डिवोर्स लेने के लिए। सो इसी दरमियान में शेट्टी अर्जुन और अनु के पास जाकर इन दोनों को समझाने लगता है कि तुम दोनों डिवोर्स मत लो। इसी दरमियान में बेबी नाम का एक बंदा अर्जुन के पास आकर अर्जुन कहकर बुलाने लगता है। अर्जुन पूछने लगता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता। बेबी कहने लगता है कि इस कोर्ट में नेक्स्ट 15 मिनट में क्या होगा वो भी मुझे पता है। जज साहिबा आकर तुमको और अनु को पूछेगी क्या तुमको डिवोर्स चाहिए। अनु थोड़ी देर सोचने के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड शेट्टी अनु को हॉस्पिटल ले जाता है। जज तुम्हारा केस 4 बजे तक पोस्टपोन करती है। 4 बजे तक भी तुम डिवोर्स नहीं ले पाओगे। अगर तुमको डिवोर्स लेना ही है तो इस एड्रेस पर आ जाओ, मेरा बॉस तुमको हेल्प करेगा। ऐसा कहते हुए बेबी अर्जुन को एक विजिटिंग कार्ड देता है। खर्च के बाद कोर्ट में उसी तरह से घटनाएं होती है जैसा बेबी ने कहा। मतलब जज आती है, इन दोनों से पूछती है, अनु बेहोशों के नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर अर्जुन शॉक में रह जाता है। उसके बाद अर्जुन बेबी के दिए हुए एड्रेस पर जाता है। यहाँ आने के बाद बेबी अर्जुन को अपने बॉस से मिलवाता है। सो बॉस अर्जुन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन कहने लगता है कि लाइफ में वाइफ के साथ एज ए बेस्ट फ्रेंड की तरह रहा जा सकता है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड को वाइफ नहीं बनाना चाहिए। सो ऐसा कहते हुए अर्जुन पिछले एक साल में इसके जिंदगी में क्या हुआ वो बॉस और बेबी को सुनाने लगता है। जब अर्जुन और अनु ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था, अनु अपने फादर को लेकर अर्जुन के घर आती है। अनु का फादर अर्जुन के फादर से कहने लगता है कि मैं अर्जुन को बचपन से जानता हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि अर्जुन अनु को बहुत खुश रखेगा, मेरी कंपनी में ही अर्जुन को एक जॉब दिलवा दूंगा। सो अर्जुन का फादर भी शादी के लिए हाँ कहने पर अर्जुन और अनु की शादी होती है। फर्स्ट नाइट के दिन अर्जुन अनु से रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर से रोमांस कम हंसी बहुत निकलने लगती है। कहने लगता है कि अनु मैं तुमको बचपन से जानता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही है। सो अनु भी अर्जुन के फीलिंग्स को समझ लेती है। कहने लगती है कोई ना, टेक योर ओन टाइम। खर्च के बाद अर्जुन बहुत ही खुशी के साथ अपने ससुर की कंपनी को ज्वाइन करता है, लेकिन यहाँ आने के बाद अर्जुन को यह बात पता चलती है कि इनकी कंपनी तो टॉयलेट बनाने की कंपनी है। अर्जुन का ससुर अर्जुन को समझाने लगता है कि अर्जुन हम लोगों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही जरूरी है। अर्जुन तुम कस्टमर्स को समझाओ कि वेस्टर्न टॉयलेट्स में और इंडियन टॉयलेट्स में क्या फर्क है, हम सारे लोग इंडियन टॉयलेट से यूज करना होगा, इसकी अहमियत बताओ। सो अर्जुन बेचारा फील होने लगता है कि इसको इंजीनियर खत्म करने के बाद ये जॉब करनी पड़ रही है। खैर एक दिन मीरा अर्जुन के शॉप आती है। अर्जुन को यहाँ पर देखकर शॉप में रह जाती है। इसे कहने लगती है कि एक्चुअली अर्जुन मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं। अर्जुन कहने लगता है अरे मीरा ये कंपनी तो मेरी ही है, मतलब मेरे ससुर की है, तुम बिंदास यहाँ पर शूटिंग कर सकती हो, मैं परमिशन देता हूँ। ये सुनने के बाद मीरा अर्जुन को हक करके थैंक यू कहने लगती है। अब ये चीज अनु देख लेती है। अनु फौरन अर्जुन के पास आकर पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है। अर्जुन कहने लगता है अरे हमारे सीनियर मीरा, अरे शूटिंग के लिए परमिशन मांगा, मैंने दे दिया। ये सुनने के बाद अनु अर्जुन के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसे पूछकर परमिशन दिया।
अगर वो यहाँ पर शूटिंग करेगी तो हमारा काम रुक जाएगा, क्या ये तुमने कभी सोचा? इस तरह से सारे स्टाफ के सामने अर्जुन को डांटने लगती है। अर्जुन बहुत शर्मिंदा होने लगता है। उसी रात अर्जुन पर्सनली मीरा से मुलाकात करके उसे सॉरी कहने लगता है कि मेरे ससुर शूटिंग के लिए नहीं माने। मीरा तुम दूसरी जगह पे शूटिंग प्लान कर लो। सो इसी बातों के दरमियान ये दोनों पर्दे वाली टीवी के पास जाते हैं। अर्जुन मीरा से कहने लगता है कि मैं भी कॉलेज डेज में नाटक वाटक किया करता था, मूवीज में एक्ट करना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में नहीं मानेंगे इसीलिए मैं चुप बैठा। मीरा अर्जुन से कहने लगती है कि तुम ऑडिशंस में अटेंड हो। उसके बाद अर्जुन जब अपने घर आता है, अनु अर्जुन से पूछने लगती है कि तुमने मीरा से मुलाकात क्यों की। अर्जुन भी कहने लगता है कि अगर मैं मीरा को फोन से ही सॉरी बोल देता तो क्या अच्छा होता, इसलिए मैंने उससे मुलाकात करके पर्सनली सॉरी कहा। सो इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। सो इस तरह से अर्जुन अपनी लाइफ से ही परेशान होता है। ना ये अनु के साथ प्यार कर सकता, ना ही इसके पास मनपसंद जॉब है। दूसरे दिन सुबह अनु जानबूझ के कार लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। अर्जुन के लिए एक नोट छोड़ के जाती है कि तुम कैब से आ जाओ। सो उसी तरह से अर्जुन गुस्से में आकर एक कैब से अपनी दुकान जाने लगता है। वो कैब ड्राइवर अर्जुन से पूछने लगता है, क्या हुआ ब्रदर, बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन कहने लगता है कि ब्रदर मेरी लाइफ ही एक परेशानी है, मैं मेरी जॉब से खुश नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। तभी उसी वक्त मीरा अर्जुन को ऑडिशन का एक लोकेशन सेंड करती है। मैसेज में ये भी कहने लगती है कि अगर तुम इंटरेस्ट हो तो ऑडिशन को अटेंड हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये देखने के बाद वो ड्राइवर अर्जुन से कहने लगता है कि ब्रदर आप ऑडिशन के लिए जाओ। अर्जुन उस ड्राइवर से पूछने लगता है, क्या आप अपनी जॉब से खुश हो। वो ड्राइवर कहने लगता है कि ब्रदर ये कैब ड्राइविंग मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मेरा गोल तो कुछ और ही है। सो अर्जुन बिना ऑफिस गए, बिना अनु को इन्फॉर्म किए ऑडिशन में अटेंड होता है। अब ऑफ कोर्स वहां पर मीरा तो होती ही है। सो अर्जुन के पास कोई भी सीन ना होने की वजह से मीरा अपना एक सीन अर्जुन को देती है, उसे प्रिपेयर होने के लिए कहती है। एक्चुअली ये एक ब्रेकअप सीन होता है। अर्जुन का कैरेक्टर का नाम होता है कृष्णा, और कृष्णा को इसकी बॉक्सिंग बहुत पसंद होती है। सो अब कृष्णा के सामने एक ऐसा मोड़ आता है कि कृष्णा या तो बॉक्सिंग को सेलेक्ट करे या तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को सेलेक्ट करे। सो कृष्णा प्रीति को कॉल करके यही बोलने लगता है कि मुझे मेरी बॉक्सिंग ही पसंद है, हम दोनों सेपरेट होना ही बेहतर होगा। सो अर्जुन ये सीन बहुत ही अच्छा करता है। अर्जुन की एक्टिंग देखकर वो डायरेक्टर अर्जुन को एक रोल भी देता है। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी वार्टी करने के लिए अर्जुन और मीरा एक पब जाते हैं। बातों में मीरा से कहने लगता है कि तुमने जो सीन दिया वो बहुत अच्छा है, तुम इसी सीन को लेकर मूवी क्यों नहीं बनाती। मीरा कहने लगती है कि एक्चुअली एक बिजनेसमैन बेटे के साथ मैंने मूवी को स्टार्ट किया था, लेकिन वो बंदा एक सीन भी ढंग से नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ही शूटिंग को कैंसिल कर दिया। ऐसा कहकर मीरा दुखी होने लगती है। मीरा को हौसला दिलाने के लिए अर्जुन इसको हक करता है। यहाँ तो थैंक यू बोलने पर हक मिलता है, हौसला दिलाने पे हक मिलता है, हमको तो पिल्लों के साथ ही हकना पड़ रहा। खैर तभी वहाँ पर अनु आकर ये सीन देख लेती है। मीरा जाने के बाद अनु अर्जुन को एक छापड़ भी लगाती है, और घर वापसी में अनु अर्जुन से पूछने लगती है कि तुम सारा दिन कहाँ पर थे, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, ना ही तुम ऑफिस आए। अर्जुन कहने लगता है कि अनु मैं ऑडिशन के लिए गया था। अनु कहने लगती है, अच्छा ये एक्टिंग का भूत कब से स्टार्ट हुआ, जब से मीरा मिली तब से। एक्चुअली तुम्हारा इंटरेस्ट किस पर है, एक्टिंग पर है या मीरा पर। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच दोबारा बहुत झगड़ा होता है। सो फाइनली अर्जुन अनु से यही कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार नहीं सकता, हम सेपरेट हो जाएंगे। सो इस तरह से अर्जुन जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बॉस और बेबी को सुनाता है। बॉस अर्जुन से कहने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, अनु तुमसे बहुत प्यार करती है, शादी हुए सिर्फ एक ही साल हुआ और तुमको डिवोर्स चाहिए। पहले तो तुम अनु को समझ नहीं पाए अर्जुन, अगर तुम अनु से प्यार से बात करते तो शायद अनु समझ जाती। अर्जुन कहने लगता है कि सर गलती मेरी नहीं है, गलती भगवान की है जो मेरी किस्मत में ऐसा लिखा। ये सुनने के बाद बॉस हंसते हुए कहने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। अर्जुन कहने लगता है कि बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोर्ट के लिए टाइम हो रहा है। इस तरह से कहते हुए जब एक दरवाजा ओपन करता है तो अर्जुन उस दरवाजे के थ्रू फॉलिंग होते हुए नरक में गिर जाता है। नरक के लोग अर्जुन को देखकर इस पर टूट पड़ते हैं, मतलब अर्जुन को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर भगवान आकर अर्जुन को बचाकर भगवान अपना असली चेहरा दिखाता है। खैर भगवान के बारे में सच जाने के बाद अर्जुन भगवान से माफी मांगने लगता है कि भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में अनाप शनाप बका। भगवान कहने लगते हैं कि अर्जुन तुमने कहा ना कि तुम्हारी लाइफ बिगड़ने की वजह मैं ही हूँ, सो तुम्हारी लाइफ सेट करने के लिए मैं तुमको दोबारा सेकंड चांस देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान अर्जुन को एक टिकट देते हैं। ये टिकट हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। हाँ कुछ रूल्स है कि तुम इस टिकट के बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने अपने पहले लाइफ के बारे में किसी से शेयर किया तो उसी वक्त तुम मारे जाओगे।
सो अर्जुन इन सारे रूल्स को ओके कहकर इस टिकट को हासिल कर लेता है। उसके बाद अर्जुन की लाइफ दोबारा वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर अर्जुन और अनु ऑटो में थे। उस वक्त अनु ने अर्जुन को प्रपोज किया था कि हम दोनों शादी कर लें। सो अर्जुन शॉक में रहकर अनु से कहने लगता है कि अनु हम दोनों शादी ना करते हुए बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहेंगे, तुम उस मैथ्यू से ही शादी कर लो। ऐसा कहकर अर्जुन अपने घर आकर बहुत खुश होने लगता है क्योंकि अर्जुन को लाइफ में सेकंड चांस मिला। अब थोड़ी देर पहले मीरा ने इससे मुलाकात की थी ना, सो फौरन अर्जुन मीरा को यब्बी में फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है ताकि ये मीरा के साथ मिलकर एक्टिंग कर सके, मीरा से ही शादी कर ले। सो उस दिन से अर्जुन मीरा को फॉलो करने लगता है, मतलब उसके करीब होने की कोशिश करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन अर्जुन अपने मम्मी पापा से ये कहने लगता है कि पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। इसका फादर कहने लगता है डॉक्टर, अरे पागल तुम इंजीनियरिंग कर चुके हो, आप कहाँ से डॉक्टर बनोगे। अर्जुन कहने लगता है डॉक्टर नहीं पापा, एक्टर एक्टर। लेकिन इसके माँ बाप अर्जुन को परमिशन नहीं देते। उसके बाद अर्जुन और शेट्टी ये दोनों अनु के एंगेजमेंट पर जाते हैं। सो यहाँ पर अर्जुन अनु को दूसरे लड़के के साथ देखकर इसको थोड़ी सी जलन होने लगती है, मतलब फील होने लगता है। खैर दूसरे दिन अनु अपने मैरिज की वेडिंग कार्ड देने के लिए अर्जुन के घर आती है। अब यहाँ पर अनु को पता चल गया था कि अर्जुन एक्टिंग में इंटरेस्टेड है। सो अनु अर्जुन के माँ बाप को समझाने लगती है कि अंकल अर्जुन स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, आप लोगों को अर्जुन की सपोर्ट करना चाहिए, अर्जुन को एक चांस देकर तो देखिए। इस तरह से अनु अर्जुन के माँ बाप को मनमाने लगती है। सो फाइनली अर्जुन का फादर अर्जुन से कहने लगता है ठीक है बेटा, एक साल तक तुम मूवीज में ट्राई करो, अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो जॉब ही करना होगा तुमको। उसके बाद अनु अर्जुन से कहने लगती है तुम मीरा से प्यार करते हो ना, क्या मीरा भी तुमसे प्यार करती है। अर्जुन कहने लगता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक मीरा को प्रपोज नहीं किया। अनु कहने लगती है एक काम करो, कल मैंने बैचलर पार्टी रखी, उस पार्टी में तुम मीरा को भी बुलाओ, अगर मीरा उस पार्टी में आई तो समझ जाओ मीरा तुमसे प्यार करती है। अर्जुन पूछने लगता है तुमको कैसे पता। अनु कहने लगती है अरे मैं भी तो एक लड़की हूँ। सो फटाफट से अर्जुन मीरा को कॉल करके पार्टी पर बुलाता है, मीरा राजी हो जाती है आने के लिए। उसके बाद अनु अर्जुन से पूछने लगती है कि तुम मीरा को कैसे प्रपोज करना चाहते हो। अर्जुन कहने लगता है मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया। अनु अर्जुन को एक प्लान बताती है कि तुम मीरा के सारे फ्रेंड से मुलाकात करके उन सारे लोगों की एक वीडियो बनाओ, उन सारे लोगों से मीरा का हैप्पी बर्थडे बुलवाओ, मतलब कुछ दिनों बाद मीरा का हैप्पी बर्थडे होता है, सो उसी वीडियो के दरमियान में तुम भी मीरा को प्रपोज कर दो। सो अर्जुन इसके लिए ओके कह देता है। पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि मीरा के सारे फ्रेंड्स गोकर्णा में मौजूद है। उसके बाद अर्जुन शेट्टी को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि हम दोनों फटाफट से गोकर्णा जाना होगा, एक छोटा सा काम है। शेट्टी कहने लगता है कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुमको पता है ना मैं ऑलरेडी मैरिड, जिसने तुमको आइडिया दिया उसी के साथ जाओ। अब ये बात अनु सुन रही होती है। सो अनु कहने लगती है हाँ शेट्टी जो कहा वो सही कहा, मैं तुम्हारे साथ गोकर्णा चलूंगी। अब वैसे भी अर्जुन मेरी शादी होने वाली है, शादी के बाद पता नहीं हम दोनों कब मुलाकात करेंगे, और इसी तरह से एक छोटा सा ट्रिप भी हो जाएगा। कॉलेज डे से ही मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों किसी ट्रिप पर चलेंगे, सो हम दोनों को टाइम ही नहीं मिला, सो अब चलते हैं। सो अर्जुन भी इसके लिए ओके कहकर अर्जुन और अनु ये दोनों गोकर्णा जाते हैं, और वो भी बाइक में। गोकर्णा जाने के बाद ये दोनों एक एक बंदे से मुलाकात करके उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो सारे लोग उस वीडियो में मीरा को हैप्पी बर्थडे बोलने लगते हैं। अर्जुन अनु को अपने पास देखकर इसके पुराने दिन याद आने लगते हैं, मतलब पहली लाइफ याद आने लगती है। अनु को दोबारा लाइक करने लगता है। उसके बाद जब रात होती है ये दोनों एक छोटे से होटल में स्टे करते हैं, एक ही बेड शेयर करते हुए। सो एक ही बेड में अनु को दोबारा अपने सामने देखकर अर्जुन को अपनी पहली लाइफ के बारे में याद आता है कि पहली लाइफ में अर्जुन ने अनु के करीब ही नहीं जा पाया, लेकिन अब इच्छा है तो अनु अब दूसरे की होने वाली है। खैर दूसरे दिन अर्जुन और अनु ये दोनों एक बोट के जरिए से ट्रैवल करने लगते हैं। अनु कहने लगती है कि अर्जुन ये लोकेशन बहुत ही रोमांटिक है, मैं तुम्हारी वीडियो शूट करूंगी, इसी वीडियो में तुम मीरा को प्रपोज करो। इस तरह से अनु अर्जुन की वीडियो शूट करने लगती है। अब अर्जुन की दिमाग में अनु ही भरी होती है, इसके मुंह से ये निकल जाता है कि अनु आई लव यू, लेकिन दोबारा ये कहने लगता है सॉरी सॉरी। उसके बाद अर्जुन और अनु ये दोनों स्वाति नाम की एक लड़की से मुलाकात करते हैं, इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद स्वाति इन दोनों से कहने लगती है कि आप दोनों मेरे भाई कृष्णा से भी वीडियो बनवाओ, मीरा और मेरा भाई कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, उन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया, अगर आपने कृष्णा से विशेष बुलवाया तो मीरा बहुत खुश होगी। सो अर्जुन और अनु कृष्णा के पास जाते हैं। यहाँ पर कृष्णा को देखकर अर्जुन शॉक में रह जाता है, कृष्णा और कोई नहीं, इसकी पहली लाइफ में जो कैब ड्राइवर था ना वही है कृष्णा। एक्चुअली कृष्णा कैब ड्राइविंग करते हुए बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते रहता है क्योंकि इसका असली गोल बॉक्सिंग ही है।
और इसी तरह मीरा ने अर्जुन को जो ब्रेकअप सीन दिया था वो मीरा की ही लाइफ का होता है, मतलब मीरा और कृष्णा का ब्रेकअप सीन। खैर मीरा के बारे में सब कुछ बोलने के बाद कृष्णा वीडियो देने से मना कर देता है। इस तरह से जब कृष्णा वहाँ से जा रहा होता है, अर्जुन कृष्णा से ये पूछने लगता है, क्या तुम अभी भी मीरा से प्यार करते हो? ये सुनने के बाद कृष्णा एक छोटी सी स्माइल देता है। अनु अर्जुन से पूछने लगती है कि तुमको कैसे पता चला कि कृष्णा अभी भी मीरा से प्यार करता है? अर्जुन कहने लगता है कि मैं भी एक लड़का हूँ ना, मुझे पता है। खैर उसके बाद अर्जुन और अनु ये दोनों दोबारा बेंगलुरु आ जाते हैं। अर्जुन अनु को देखकर बहुत दुखी होने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद अनु की शादी हो जाएगी, अनु इससे दूर हो जाएगी। मतलब इस जर्नी के दौरान अर्जुन दोबारा अनु से प्यार करने लगा, सो अनु को मिस करने लगता है। सोचने लगता है कि इसकी पहली लाइफ ही सही थी, उस लाइफ में अनु उसके साथ थी, शायद मुझे ही अनु से माफी मांगनी चाहिए थी। खैर फाइनली अनु का शादी का दिन आ ही जाता है। सो शेट्टी अर्जुन से पूछने लगता है, क्या तुमने मीरा को प्रपोज किया? अर्जुन कहने लगता है, नहीं, मैंने मीरा और कृष्णा को मिलवा दिया। ये देखकर शेट्टी कहने लगता है, तुमने कितना बड़ा कांड कर दिया, अब देखो मीरा भी चली गई और अनु भी। इसी दरमियान में जब चर्च में अनु आ रही होती है, अर्जुन शेट्टी से कहने लगता है कि मैं अपनी आँखों से अनु की शादी नहीं देख सकता। इस तरह से अर्जुन चर्च से बाहर जाता है। शेट्टी अर्जुन को हौसला दिलाने लगता है। इसी बातों में ये दोनों ये देखते हैं कि अनु शादी छोड़कर एक ऑटो के जरिए से एक बार जाकर दारू पीने लगती है। फौरन अर्जुन और शेट्टी अनु के पास जाकर अनु से पूछने लगते हैं, क्या तुमने शादी नहीं की? अनु कहने लगती है कि मुझे मैथ्यू से शादी नहीं करनी, तुम्हारे दिल में क्या है मुझे पता चल गया अर्जुन, क्या हम दोनों शादी कर लें? अर्जुन कहने लगता है, अनु अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम बहुत दुखी होगी। शेट्टी गुस्से में आकर कहने लगता है, क्या बात कर रहे हो, शादी करोगे तभी पता चलेगा ना खुश होंगे या नहीं। अर्जुन कहने लगता है, मुझे ये सब कुछ ऑलरेडी पता है, अगर तुम लोगों को मैं बताऊंगा भी तो तुम लोग भरोसा नहीं करोगे। अनु, हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, एक साल के बाद हम दोनों ने डिवोर्स भी लेने का सोचा था। तभी भगवान कहने लगते हैं, अरे अरे अर्जुन ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुमको कहा था ना कि अपना सीक्रेट किसी को मत बताओ, अब तुम गए काम से। सो तभी अर्जुन के पास जो टिकट होती है ना वो उड़ते हुए बाहर जाने लगती है। अर्जुन उस टिकट को पकड़ने की कोशिश करता है, सड़क के पास आता है। इसी भागम भागे में एक लॉरी अर्जुन को ठोक देती है। अर्जुन जब चिल्लाते हुए अपनी आँखें ओपन करता है तो अर्जुन के सामने भगवान और बेबी होते हैं। अर्जुन भगवान से कहने लगता है कि भगवान मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में ही भेज दो, मैं किसी भी तरह करके अनु से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भगवान कहने लगते हैं कि तुम कोर्ट जाकर अनु से माफ़ी मांगो, दिल से माफ़ी, अनु तुमको माफ़ कर देगी, खुश रहो, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। सो अर्जुन अचानक से उस कोर्ट के पास प्रकट होता है, फौरन अनु के सामने जाकर तहे दिल से अनु से माफ़ी मांगने लगता है। अनु भी अर्जुन की फीलिंग्स को समझते हुए अर्जुन को माफ़ कर देती है और ये भी कहने लगती है कि आज के बाद से तुम मेरे फादर के पास जॉब मत करो, तुमको एक्टिंग पसंद है ना, एक्टिंग ही करो, और हाँ लड़कियों से दूर ही रहा करो। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को समझकर हक करने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।